डकार, यस डकार, जो हम खाने के बाद लेते हैं या कभी कभार बीच में भी लेते हैं, उस डकार को इंग्लिश में क्या कहोगे? देखो फ्रेंड्स, डकार को इंग्लिश में कहते हैं बर्ब, BURP, बर्ब यानी होता है डकार। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। अब नाउन कैसे है? नाउन मीन्स डकार को भी वर्ब बोलेंगे और डकार लेने को भी वर्ब बोलेंगे। डकार यानी नाउन, डकार लेना यानी वर्ब। चलो एग्जांपल देखते हैं, इससे हमारी मीनिंग और क्लियर होगी। ही टुक अ लॉन्ग बर्ब आफ्टर हैविंग डिनर। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, उसने एक लंबी डकार ली डिनर के बाद। अब एज अ वर्ब इसको यूज करना हो तो देखो कैसे करेंगे। ही वॉज बर्पिंग आफ्टर डिनर, डिनर के बाद वो डकार ले रहा था। बर्पिंग, BURPING लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ऑल वर बर्पिंग लास्ट नाइट एज दे हैड ईटन डबल डिनर। कल रात सभी लोग डकार ले रहे थे, क्यों? क्योंकि दोनों सभी लोगों ने डबल डिनर कर लिया था, दो बार डिनर कर लिया था, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ट्राई नॉट टू बर्प व्हेन समवन इज सिटिंग बिफोर यू। ट्राई करो कि जब कोई आपके सामने बैठा हो तब आप डकार न लो। इट्स लुक ऑकवर्ड, थोड़ा अजीब लगता है, अटपटा लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आज का हमारा वर्ड डकार, जो हमने देखा, पढ़ा, सीखा, समझा। अब यूज आपको करना है। डकार वर्ड आप डेली यूज करते होगे या यूज करते ही करते हो, आए दिन इसको यूज करते हो। अब इसको डकार नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? वर्ब। इसके और भी मीनिंग्स होते हैं, डकार को और भी तरीकों से बोला जा सकता है, लेकिन सबसे इजी वर्ड ये था, तो आज का वर्ड मैंने ये लिया है। अब मैं आपसे मिलता हूं नए वर्ड में, नई पॉजिटिविटी के साथ, नए माइंडसेट के साथ और इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।